इंदौर में चंदन नगर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी मात्रा में गांजे के साथ एक नाबालिग सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी गांजे की डिलीवरी देने आए थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ NDPS के तहत कार्रवाई की है। सर, अवैध मादक पदार्थों को लेकर की कार्रवाई की जा रही है, किस तरह की कार्रवाई की और क्या सफलता मिली? वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। इस संबंध में मुखबिर लगाए गए थे और आज सूचना मिली कि बड़ी मात्रा में गांजे की खेप जो है यहाँ देने के लिए दो लोग खड़े हुए हैं। तत्काल चंद्रनगर पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए 5 किलो गांजा ऐसे जब्त किया गया और दो लोग इसमें गिरफ्तार किए गए। जो व्यक्ति गिरफ्तार हुए उनमें एक राजा और राजकुमार पिता कमल सिसोदिया, ये रानीबाग खंडवा रोड का रहने वाला है, और इसके साथ में एक नाबालिग का लड़का भी था। इन सभी को दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और NDPS Act के तहत इसमें कार्रवाई की गई। ये इनसे अभी पूछताछ की जा रही है कि ये गांजा कहाँ से लेके आए थे और किसको देने जा रहे थे, इस संबंध में इनसे पूछताछ करके आगे कार्रवाई की। पूर्व में इनका रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है क्योंकि ये रहने वाला थाना भंवर कुआं तेजाजी नगर क्षेत्र का है, तो इस संबंध में इनका रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है।